Guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So, guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss about the expected exam date of CMAT. So, guys, काफी लोग रेगुलरली पिंग्स आ रहे हैं कि CMAT 2023 कब हो सकता है. काफी लोग कंफ्यूज हैं बिकॉज 2-3 साल से डेट्स काफी फ्लक्चुएट हुए हैं कुछ रीजन की वजह से. तो अब 2023 का क्या चांस है कि पहले की तरह जैसे 28 जनवरी को होता था वैसे होगा, कब होगा, फेब में होगा, मार्च में होगा? तो काफी लोगों का डाउट है गाइस, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं. अच्छे से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प जाएगी, बस काफी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस आप लोगों का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करना. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं, अभी काफी हेल्प होगी. तो गाइस अगर हम बात करें सीमैट की डेट की, तो मेन चीज ये है कि लास्ट ईयर जो सीमेट एग्जाम हुआ था काफी लेट हुआ था, 9 अप्रैल, ठीक है. और इसके पहले एग्जाम जो हुआ था आपको मार्च में हुआ था, ठीक है. कुछ रीजन की वजह से लेट हो गया था उस बार भी, तो 2-3 साल से काफी फ्लक्चुएट हो रहा है. एक्चुअली अगर सीमेट बताऊँ तो सीमेट आपका एक्चुअली होता है 28 जनवरी को, कोविड के पहले उसका जो टाइम था वो जनवरी एंड होता था, ठीक है. अब गाइस लेट क्यों हो रहा है, तो हम लोग एक एक्सपेक्टेड डेट देखते हैं क्या हो सकती है या किस रेंज में हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल डेट तो आई नहीं है, ठीक है. बट कुछ लॉजिक में आगे देखते हैं कि कब कब चांस है. तो गैस ये मैं आपको दिखाऊं कुछ एग्जाम्स जो एनटीए का नेट कराता है, ये उसी टाइम पे पढ़ते हैं. जैसा आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर सीमैट जो था वो हम लोग का 9 अप्रैल को था, ठीक है. तो गैस हम लोग का एक्सपेक्टेड था लास्ट ईयर सीमैट फेब में हो जाएगा, बट फेब में नहीं हो पाया था. अब उसके पीछे मुझे एक रीजन ये लग रहा है कि ये दो एग्जाम जो है ये पढ़ गए थे, क्योंकि एनटीए काफी बड़ी बॉडी है और एग्जाम्स को कंडक्ट करना बड़ी बात है. मतलब एक साथ एक महीने में कितने एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं, काफी चीजें होती हैं उनकी. ये दो एग्जाम्स ऑलरेडी फेब में लाइंड अप थे, इसीलिए मे भी उन्होंने सोचा हो कि 9 अप्रैल को कर देते हैं एग्जाम. ये सब रीजन रहे हो, ठीक है. तो गाइज अगर मैं बात करूँ इस बार एग्जाम का होगा, तो गाइज जनरली जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, ये बहुत ही रेयर ही केस में ऐसा होता है कि अपने एक्चुअल शेड्यूल में आ जाए. जैसे एमबीए सीईडी की बात करो, एमबीए सीईडी एक्चुअली मार्च में होता है, बट वो उसका अलग ही लेवल पे चल रहा है. मई में जा रहा है, जुलाई में जा रहा है, अगस्त में जा रहा है, सितंबर में जा रहा है, ठीक है. तो इसी तरह एनडीए का 28 जनवरी पहले था, कोविड के बाद उसका कभी जनवरी में नहीं हुआ, ठीक है. कुछ ना कुछ होता गया उसका, क्योंकि इस साल तो कोई रीजन भी नहीं था 9 अप्रैल को होने का. 2022 में क्यों हुआ 9 अप्रैल को? जैन फेब ना कोविड था ना कुछ था तब भी. तो खाली कोविड ही एक रीजन नहीं होता क्या समझा. एनटीए जो है ना वो काफी एग्जाम्स कंडक्ट कराने लग गया है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है. तो देखता है कि कौन सी डेट उसके लिए सही है, जब एग्जाम ना पड़े तो उसको फेब में एग्जाम से मार्च में कुछ रीजन से नहीं किया होंगे अप्रैल में कर दिया. तो हमारा देखो, हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं आपको और यहाँ पे आपको सेफ डेट बताएंगे ताकि आप सेफ रहो. तो गैस अगर बहुत ही वर्स्ट केस में होगा, तो मैं मानता हूँ कि एग्जाम जो आपका होगा वो 23rd फेब के बाद होगा. मतलब 20, अगर जल्दी जल्दी की बात करूंगी अर्लीस्ट कब होगा, तो मुझे लगता है फेब एंड में होगा अर्लीस्ट से अर्लीस्ट. और जो लेटेस्ट सबसे लास्ट होगा वो आप अप्रैल मान लो, लास्ट ईयर की तरह 10 अप्रैल तक जा सकता है, ठीक है. तो गैस हम लोग को लास्ट से चिंता नहीं होनी चाहिए इतनी, हम लोग को अर्ली चिंता ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी होनी है. गैस जनवरी में ना होने का, जनवरी में नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब एग्जाम 20 जनवरी को था, तो आपका फॉर्म 1 नवंबर को लॉन्च हो गया था और आज है 12 नवंबर, ठीक है. तो जनवरी में चांस नहीं है, जनवरी में एग्जाम होगा मुझे काफी अनलाइकली लग रहा है. बहुत जल्दी जल्दी होगा तो 23rd फेब के बाद हो जाएगा, या फिर ये मार्च भी जा सकता है और अप्रैल भी जा सकता है, ठीक है. फेब में होने के चांसेस कम क्यों है? क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स फिर पढ़ेंगे इस बार, ये इग्नू का और स्वयं का, क्योंकि इनकी डेट्स भी आ गई है. स्वयं की असाइनमेंट चेक किया हमने, उन लोग का भी जनवरी फेब में होना एग्जाम, ठीक है. तो अगर ये दोनों एग्जाम फिर पढ़ेंगे तो हो सकता है फिर वो फेब में ना कराएगा, तो मार्च में करा सकता है एग्जाम, ये अप्रैल में करा सकता है. बट आपको क्या तैयारी रखनी है, आपको अपना सिलेबस जो है वो 30 जनवरी तक खत्म कर देना है सीमैट का, ठीक है. और 30 जनवरी तक खत्म करने के लिए आपको बहुत टाइम नहीं चाहिए, 2 से 2.5 महीना चाहिए ढंग से तैयारी करने के लिए, ठीक है. मतलब 30 जनवरी बोल दो या 15 फेब तक बोल दो, 15 फेब तक भी खत्म करने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो एक प्रॉपर में तैयारी करो, एक वर्स्ट केस लेके चलो कि आपका एग्जाम 20 फेब को है, ऐसा मान के चलो सेफ साइड पे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा. तो बाकी अगर एग्जाम लेट होता तो आपके पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, आपको आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो ये चीज है. बाकी का सीमैट की अच्छी बात क्या है ना, कि सीमैट एक ऐसा एग्जाम है जो इजी भी होता है और टाइम आपको बहुत ज्यादा मिलता है. 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, उसमें भी जो 40 क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी वाले, जीके सेक्शन और इनोवेशन सेक्शन, ये आप आराम से 30 मिनट्स में कर सकते हैं.
150 मिनट्स आपको मिलना है 60 क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मिनट से ज्यादा, 2.5 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए। इसमें वीआरसी भी है, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था सीआर में, मुझे लगता नहीं 2.5 मिनट का क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन बार दिया ही क्वेश्चन दे दी थे, बाकी क्वेश्चन आपके अंडर 1 मिनट थे, तो टाइम बहुत मिलता है गाइस आपको उसमें। तो आपको बस तैयारी रखनी है। तैयारी कैसे रखनी है, सीमेट एक ऐसा एग्जाम है गाइस कि सारी वैरायटी देता है, स्टैटिस्टिक्स से लेकर ग्राफ से लेकर फंक्शन से लेकर सेट थ्योरी से लेकर सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। मतलब इन शॉर्ट सीमेट की तैयारी अगर कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नाम का सब्जेक्ट, नाम का टॉपिक कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज पढ़नी पड़ी तब निकलेगा। और दूसरी बात, अगर वाकई बहुत अच्छा टारगेट कर रहे हो तो 60 क्वेश्चन जो आते हैं नॉन जीके और आई के, उसके अलावा 60 क्वेश्चन, उसमें ऑलमोस्ट क्वांट्स और एलआर में फुल मार्क्स का ही टारगेट करो, फुली मार्क्स का टारगेट करो, आएगा भी, आता भी लोगों का। वीए में भी ट्राई करो, बट वीए में कुछ गलती हो जाती है, बट इन्होंने फुल टारगेट करो। और आई सेक्शन में वीडियो बना दूंगा मैं, आई सेक्शन ओवर हाइप है, ढंग से अगर पढ़ के जाओगे ना, फाइनेंस मार्केटिंग स्टार्टअप्स के बिजनेस की न्यूज वगैरह सब, और जो मेन ग्लॉसरी होती है, आई सेक्शन में आराम से 15 सही होगा बिजनेस, ठीक है? तो मैं बनाऊंगा उसे वीडियो। बाकी गाइस जो लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में सीमेंट की तैयारी करना चाहते हैं कि एक जगह कंटेंट मिल जाए और उसको सारा पढ़ लें, तो आप चेक कर सकते हो, डेफिनेटली हम लोग का सीमैट का कोर्स, हम लोग का कोर्स के एनरोलमेंट्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग का कोर्स रिसेंटली स्टार्ट हुआ था मिड अक्टूबर में, ठीक है? जो भी क्लासे हुई सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? क्लासेस काफी डिटेल्ड होती है, हम लोग की यूएसपी यही है गाइस कि हम लोग हर चीज को क्लास में ही कराना चाहते हैं, तभी हम लोग क्लासेस ज्यादा होती है। लाइक ज्योमेट्री की 14 क्लास है, नंबर्स की 13 क्लास है, पीएनसी की प्रोबेबिलिटी की 15 क्लास है। उसका रीजन क्या है, हम चाहते हैं कि आपको एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन दिखे ही ना, क्या सोचो ये कैसे होगा, हर वैरायटी क्लास में करी हुई, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक डेस्क, मॉक सब कुछ मिलेगा, जीके सेक्शन, आई सेक्शन सब कुछ रहेगा, बट क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और पी वाई क्यूज होते हैं, कम से कम 250 से 300 पी वाई क्यूज होंगे, कम से कम 300 शॉर्टकट्स होंगे, बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है। लास्ट ईयर कम से कम 50 बच्चों को, 40 से ज्यादा बच्चों को 98+ परसेंटाइल था, 150 से ज्यादा को 98+ था, और 95+ था 200। अगर आप इवन एवरेज स्टूडेंट भी हो तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि सीमेट में टाइम बहुत मिलता है आपको एग्जाम में करने के लिए, आपको बस आना चाहिए। और बच्चे गलती करते हैं सीमेट के लिए, बहुत ही रैंडम में पढ़ते हैं यहाँ वहाँ से, इसलिए दिक्कत आती है। अगर आप सीमेट टारगेट कर रहे हो, अगर सीमेट को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करो, क्योंकि जेबीआर में से अगर एक बार को हटा भी दोगा तब भी आपको काफी कॉलेजेस आपको 10 लाख के पैकेज दे देते हैं, लाइक जिम गोवा, केजो समैया, जीएलआईएम, आईएफएमआर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और वाकई लेते भी हैं, लास्ट ईयर काफी बच्चे गए थे, ठीक है? गाइस ये कोर्स की डिटेल्स हैं, आपको इंक्वायर करना कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स 5000 का है, और सीमेट कोर्स लेने से आपका टेस्ट एसआरसीसी भी निकल जाएगा, सिलेबस सबको सेम है, बस उनके मॉक्स एंड जीडी के लिए आप अलग से एडिशन इनरोल कर सकते हो, बट जो कंटेंट है पूरा सेम ही रहता है, बिकॉज सिलेबस पूरा सेम रहता है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी उससे। बाय द वे, सीमैट प्लस टेस्ट प्लस एसआरसीसी, कंप्लीट कोर्स प्लस कंप्लीट मॉक्स प्लस कंप्लीट जीडीपीआई, तीनों का ये आपको 6500 का पड़ रहा है, तीनों चीजें सबका सब कुछ, ठीक है? ये 12 अक्टूबर दी गई है, बट एक्चुअली एग्जाम एक्चुअली जो डेट था आई गेस 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, बीच में दिवाली आ गई थी, हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे थे, ठीक है? तो मतलब हम लोग इस क्लास में अगर बात करूँ सेशंस की, कम से कम 250 से 300 क्लासें होंगी, मतलब 300 से भी ज्यादा मान लो 350 क्लासें होंगी, और 350 क्लासों में से भी मेरे ख्याल से भी 20 से 25 क्लासें खाली होंगी, जो भी क्लास होंगी सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इवन हम लोगों को नया बैच भी अगर आता है तो आपका कुछ जो मिस हुआ है आपको फिर से लाइव करना है तो आप वहां पे कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है? बाकी क्या आप रिजल्ट आप खुद दे सकते हो, रमीज ऑल इंडिया रैंक 13, 99.97, ये सब क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं अपने, ठीक है? तो प्रॉपर में करोगे तो आना ही आना है नंबर, कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है? फिर कुछ हम लोग छोड़ेंगे ही, तो आप खुद दे सकते हो अपने आप, आराम से पॉज कर रिव्यूज को, और रिव्यूज मैंने यहाँ पे डाले ही नहीं ज्यादा, डेली के डेली रिव्यूज आते रहते, आपको दिख जाएंगे, व्हाट्सअप करना मुझे, ठीक है? बाकी अगर आप स्नैप दे तो स्नैप के मॉक्स दे सकते हो, काफी रिलेवेंट है, 15 मॉक्स 99 के, एंड मैड स्नैप आपका 169 का है, काफी रिलेवेंट है, ठीक है? तो ये रिव्यूज वगैरह है, रिजल्ट है, ठीक है? सो गाइज दिस वॉज ऑल ओवर वीडियो, बाकी एग्जाम का डेट आप मान के चलो फेब एंड लीस्ट एंड अप्रैल लास्ट, ठीक है? ये मान के चलो आप। चलो गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर इवन इंक्वायर एड्रेस में कोई डाउट हो तो, बाकी गाइज हम लोग एक चैनल पे कम से कम 200 से ज्यादा कंटेंट बेस्ड वीडियो से जरूर देखना है। चलो गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय।